विदिशा के सिरोंज में एक बस सड़क हादसे का शिकार हो गई है। बताया जा रहा है कि बस इंदौर से होते हुए भोपाल सिरोंज से नेपाल जा रही थी, वहीं अचानक सिरोंज के पास लटेरी रोड पर दुर्घटना का शिकार हो गई। बस सीधे एक मकान में जा घुसी, जिसके बाद बस पलट गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को निकालकर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि घटना में 5 लोग घायल और एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं बताया जा रहा है कि बस में सवार ज्यादातर लोग नेपाल के हैं और बस इंदौर भोपाल से होते हुए नेपाल जा रही थी। ये बस का उस मालूम नहीं, मैं भोपाल से आया। अच्छा, अब ये कहाँ पर जा रही थी? सिंगरौली। अच्छा, सिंगरौली जा रही थी, नेपाल के पास में। हाँ जी। अच्छा, कितने लोग थे इसमें अभी? वो तो मालूम नहीं कितना लोग था, मैं तो लास्ट में। अच्छा अच्छा, लगभग कितने लोगों की लग गई अभी? अभी चोट एक दो को लग गई। अच्छा अच्छा, रो रहे हैं बेचारा। नहीं नहीं, प्रशासन मौजूद है यहाँ पर, प्रशासन पुलिस आ गई है यहाँ पर, ठीक है ना, सब मदद कर रहा है आप लोगों की, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।